अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें कश्मीर क्राउन, मैं हूँ मलिक मुदस्सर, इसमें मौजूद हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी पे। यहाँ पे जो है उन्होंने डिफरेंट स्कूलों से बच्चों ने यहाँ तकरीबन 300 स्टूडेंट ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट किया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पे आज इसका उद्घाटन भी किया और क्या कहना चाहते हैं कि जो डिफरेंट स्कूलों से बच्चे आए, अगर आप बानीहाल की बात करें या ज़िला रामन की बात करेंगे तो यहाँ पे लड़के हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो हिडन है। आज के देखा जाएगा कि आज के डेट में तो डिफरेंट स्कूलों में और डिफरेंट जगहों पर यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी जो ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट कर रही हैं, तो आज इस रिलेटेड टूर्नामेंट के हवाले से आपका क्या कहना है? पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। माय नेम इज़ मोहम्मद सैदुल अमीर, जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर, जोन बानिहाल। तो सर, ये जो आज यहाँ पे टूर्नामेंट अभी चल रहा है, रवा दवा है, इससे पहले हमारे इंट्रामरल्स हुए थे स्कूलों में, तो उसमें हमें ह्यूज पार्टिसिपेशन हुई है। हमें टारगेट मिला था डिपार्टमेंट की ओर से 14,000 सर, लेकिन हमारा जो स्टाफ है जोन का वो काफ़ी डेडिकेटेड है, काम करने वाले हैं, तो उन्होंने जो टारगेट है वो अचीव भी किया और बच्चों का टैलेंट भी निखारा है और वहाँ से हमें बहुत मतलब लगभग ह्यूज पार्टिसिपेशन आई है। मुझे लगता है कि ये पहला साल है कैलेंडर ईयर का कि इस साल ज़्यादा पार्टिसिपेशन आई है। और सर, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपकी वसादत से। सर, हमें बानिहाल में एक स्टेडियम बना हुआ है, मेरे ख्याल में मेरी पोस्टिंग यहाँ लगभग तीन चार महीने मुझे यहाँ पे हो गए। वो स्टेडियम जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब हमें यहाँ पे मतलब ये जो टूर्नामेंट करवाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम तो बना है लेकिन उसमें अभी काम बाकी है। अगर उसकी उसमें अर्थ वर्क हो जाता, उसमें वो लेवलिंग उन्होंने की है, उसमें अगर वो मिट्टी शिटी अच्छी तरह से डाल देते तो हमें किसी की मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ती। तो हमारे वो डिपार्टमेंट का था, वो हम वहाँ पे ही टूर्नामेंट करवाते तो और अच्छी तरह से हो जाता भी। और यहाँ पे हम जब देखते हैं ना सर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, फील्डों की यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। टैलेंटेड है, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं सर, मतलब अच्छे जानने वाले हैं। इन्होंने यहाँ के इस जोन ने डिस्ट्रिक्ट भी प्रेजेंट, पिछले मतलब साल में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी प्रेजेंट किया है। कुछ लड़कों ने यहाँ से नेशनल खेल के भी आए हैं यहाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ जो खेल के, एक अंग्रेजी कहावत है, ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जो बच्चा होगा वही सेहतमंद इंसान भी होगा। और पढ़ने के साथ ये खेल कूद भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जिस्मानी जो नसीब नुमा है वो बहुत अच्छा रहता है। तो जोनल लेवल पे यहाँ पे आज डिफरेंट स्कूलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ से जो परफॉर्मेंस करने के बाद उनको कहाँ कहाँ खिलाया जाता है कि स्टेट लेवल तक ये जा सकते बच्चे? एक्चुअली सर, मतलब मैंने आपको बोला कि मतलब इंट्रामुरल हमारा बेसिक होता है, उसके बाद ये स्कूल करते हैं जोनल लेवल पे, मतलब रिप्रेजेंट इंटर स्कूल उसके बाद होता है। उसके बाद जो वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो इंटर जोन मतलब करते हैं पार्टिसिपेट डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से जो मतलब अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो सर डिस्ट्रिक्ट फिर रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वो मतलब डिस्ट्रिक्ट पे जब उसने रिप्रेजेंट, फिर वो यूटी लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, यूटी लेवल के बाद वो नेशनल लेवल पे सर रिप्रेजेंट करता है। वो मतलब हमारे जो आरी केज हैं और NYCs हैं उनको अगर सैलरी के हिसाब देखेंगे क्या 4,000 काफ़ी काम पड़ता है। अगर मैं अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को गुजारिश करता हूँ, अगर उन मतलब का मसला हल हो जाता तो बेहतर होता है, क्योंकि वो बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट। जोनल लेवल के आप ऑफिसर भी हैं स्पोर्ट्स के, तो देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, खासकर आज के स्टूडेंट्स में जिस तरह जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो फोन पर एडिक्ट ज़्यादा हैं। मतलब यही नहीं है कि मतलब हम किस कहीं पर जाएंगे और वहाँ पर खेलेंगे, इससे ब्रदरहुड बढ़ जाता है। मतलब इसमें हम देखते हैं मतलब पूरा जोन जो होता है ये इनकी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होती है, कोई मतलब एक इलाके का होता है दूसरा फिर दूसरे इलाके का होता है, जब ये आपस में मिलजुल जाते हैं तो इनका रिलेशन अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात यह है मतलब आजकल क्योंकि ड्रग एडिक्टेड बच्चे हैं, मेरी गुजारिश यही रहेगी, मतलब मैंने रिसेंटली इस जोन में ज्वाइन किया है, मेरा नंबर लगभग हर एक स्टाफ मेंबर के पास है। मैं जितने हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूलों को भी दावत देना चाहता हूँ कि आप आओ, आप इस मतलब हमारे डिपार्टमेंट आओ और यहाँ पे खेल कूद में आप भी शामिल हो जाओ। यही मैसेज मेरी।
Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.